जो होता है वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए घर में पति और पत्नी का, माता का पिता का, भाई का बहन का, भाई भाइयों का कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है और हमारे कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा, किसी से जो रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है फिर हम कौन से वन की मूली है बता।